घंटा घंटा उसका कट गया, तकरीबन कोई 5 घंटे आप डिडक्शन कर लें, कितने 5 घंटे। अब उसके टोटल कितने घंटे रह गए कैसे मालूम करेंगे, इक्वल आवर्स माइनस डिडक्टेड आवर्स, ठीक है, कितने रह गए 235। अब इन घंटों के हिसाब से, 235 घंटों के हिसाब से कितनी उसकी अटेंडेंस के हिसाब से कितनी सैलरी बन गई, इक्वल पर हार सैलरी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टोटल रिमेनिंग आवर्स, तो इसकी सैलरी बच गई 44,062.50। अब उसने कोई जाते हुए दो दो तीन तीन घंटे वो ओवर टाइम भी करता रहा है, कोई 15 से 18 घंटे उसने ओवर टाइम कर लिया, ठीक है, 18 घंटे का ओवर टाइम कितना बनता है, इक्वल आवर टाइम हॉर्स मल्टीप्लाई बाय पर आवर सैलरी, कितने बन गए 3,375 रुपये उसके जो है ओवर टाइम के बन गए, ठीक है। अब ग्रॉस सैलरी क्या होती है, इक्वल टोटल आवर्स की सैलरी मल्टीप्लाई प्लस, क्या प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो चला जाएगा फिर कहाँ, प्लस ओवर टाइम पेमेंट, इसकी टोटल ग्रॉस सैलरी क्या बन गई 47,437.50। अच्छा, रिसीव्ड एडवांस उसने कोई 10,000 रुपये एडवांस ले लिया था और उसने कटवाए जी 6,350 रुपये, यार इतने में दे सकता हूँ, बाकी मेरी दूसरी सैलरी से काट देना। अब यहाँ पे क्या आएगा, नेट पेमेंट में इक्वल ग्रॉस सैलरी, ठीक है, पहले आएगी ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्टेड एडवांस, रिसीव्ड एडवांस में कोई फार्मूला नहीं रहेगा क्योंकि वो सिर्फ शो करने के लिए, आगे जाके उसके ऊपर भी अमेंडमेंट हो सकती है कि उसका बकाया एडवांस कितना रह गया, लेकिन फिलहाल हम हाँ कर सकते हैं बैलेंस चेक करें, हाँ ठीक है ना, फिलहाल यहाँ तक काफी है। तो क्या उसकी सैलरी बन गई 41,087.50, ठीक है, मैं शीट को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखें, ये तो एक एडमिन मैनेजर था, मैं एक और बंदा ऐड कर देता हूँ, अहमद डबल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इससे ज़्यादा बढ़ गए। ये है जी आपका हेल्पर, ठीक है, अब एक हेल्पर की सैलरी क्या होती है, चलें 22,000 कर देते हैं आधी। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इसको डायरेक्ट कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा, मेरे पास सैलरी निकल आएगी, ठीक है, इसको भी मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ये तो ऑलरेडी वही है, इसको भी मैं कॉपी करके यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, यहाँ डेज नहीं लिखे हुए, ठीक है, प्लीज इसके 10 घंटे हम माइनस कर लेते हैं, बीस घंटे और टाइम कर देते हैं, इसने एडवांस लिया था 5,000 रुपये और कटवा भी दिया 5,000 रुपये, तो उसकी कितनी सैलरी बच गई 17,000 रुपये। आप देखें, आपको एक नॉर्मल तरीकेकार बता देता हूँ, अगर कोई बंदा कोई छुट्टी नहीं करता 45,000 सैलरी के साथ,
और उसके कुछ घंटे माइनस नहीं होते हैं, मैं इसको जीरो कर दूंगा, तो घंटे पूरे हो गए, टोटल आवर्स की सैलरी पूरी आ गई, उसने कोई ओवर टाइम नहीं लगाया, ठीक है, तो यहाँ पे भी सैलरी ग्रॉस सैलरी पूरी आ गई, उसने कोई एडवांस नहीं लिया और उसने कुछ रिएक्शन नहीं कराई, तो क्या हुआ, उसकी सैलरी कितनी आ गई, पूरी की पूरी सैलरी आ गई। लेकिन अगर वो यहाँ से 30 दिन के बजाय वो 28 दिन आता है, ठीक है, ये चलें 26 दिन कर देते हैं, 26 दिन आता है, तो आपके हावर्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे कि कितने घंटे वो आया है। और अगर उसकी डिडक्शन कोई है 4-5 घंटे की, तो यहाँ पर भी आपके पास डिडक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगी और टोटल आवर्स की जो सैलरी है वो भी मैनेज हो जाएगी। अगर उसमें ओवर टाइम लगाया है 30 घंटे, तो 30 घंटे की पेमेंट के हिसाब से आ जाएगा, ग्रॉस सैलरी भी बन जाएगी। और अगर उसने कोई एडवांस नहीं लिया तो ये उसकी कटिंग के साथ सैलरी बनेगी। और अगर कोई एडवांस भी ले लेता है, जी 3000 रुपये उसने एडवांस ले लिया और 3000 ही कटवा दिया, तो ये इसकी सैलरी बनेगी। आ रही है चीज़ समझ में या नींद आ रही है? ये करने का ये फायदा है, देखिए एक बार जब आपने फार्मूला लगा दिया, फिर आप सिर्फ अगर यहाँ से चलें, ठीक है, आप कहते हैं यार ये 45,000 की सैलरी थी, बाकी उसकी चीज़ें सेम है और मैं सिर्फ सैलरी चेंज कर लूँ, मैं 45 के बजाय मैं 30 कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या सैलरी निकलती है? देखिए आपकी सारी चीज़ें, डेली वेजेस भी चेंज हो गया और आर सैलरी चेंज हो गई, ठीक है, घंटे के हिसाब से जो भी निकलना था वो सारी चीज़ें चेंज होके ये आपका नेट पेमेंट बचेगा, ठीक है। मतलब आपकी सारी चीज़ें एट अ टाइम क्लियर होती जा रही है। अब जैसे एक हेल्पर की सैलरी 22,000 है, अचानक उसकी प्रमोशन हो जाती है, वो ऑपरेटर बन जाता है और उसकी सैलरी हो जाती है जी 35,000, और बाकी सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक चेंज होती जाएंगी यहाँ से। देखिए